भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सेठ ने संन्यास ले लिया, जन्म पत्री दिखाई बच्चे की, ज्योतिषियों ने कहा कि सेठानी संभाल के रखना। बोले क्यों? बोले यदि संसार की नश्वरता समझ में आ गई तो ये भी चला जाएगा। सेठानी ने कहा मैं तो दोनों तरफ से लुट गई, पति भी गया और बच्चा भी जाएगा। बोले संभाल के रखना। उस सेठानी ने उस बच्चे को कैद कर दिया महल के अंदर, तुम बाहर नहीं जाओगे। परिचारिकाओं से कह दिया इसे बाहर की हवा नहीं लगना चाहिए और कोई भी नश्वरता इसके सामने नहीं आना चाहिए। यही मेरे जीवन का आधार है, अब यही बचा है मेरे जीवन में। उसको महल में, शीश महल में कैद कर दिया बच्चे को, वही रहता, वही खाता, वही पीता। सारा जीवन उसने अंदर ही गुजारा, ना सूर्य की रोशनी देखी, बगीचे में जो फूल आते थे मुरझाने से पहले तोड़ दिए जाते थे, पत्ते पीले हों उससे पहले झड़ा दिए जाते थे कि शायद ये दृश्य देखकर मेरे बच्चे को संन्यास ना हो जाए। बंद कर दिया मोह में उसने, ना कोई मिलता, ना आता, ना जाता। एक बार नगर में एक कंबल बेचने वाला आया, बड़े सुंदर रेशमी कंबल, मखमल के कंबल, कीमती कंबल बेचने आया। राजा के घर गया, महाराज ये कंबल खरीदो। महाराज ने कहा कि मैं कंबल क्यों खरीदूं, मेरा पैसा थोड़ी है, ये जनता का पैसा है और इसमें इतने कीमती रत्न जड़ित कंबल मैं नहीं खरीद सकता हूं। बड़ा न्यायप्रिय राजा था। मैं राजा बन के भले बैठा हूं लेकिन जो कोष है वो मेरा नहीं, वो जनता का क्रोश है, वो प्रजा का कोष है, मैं इसे व्यर्थ खर्च। रानियों ने कहा महाराज ले लो, राजा ने कहा नहीं, इतना कीमती रत्न जड़ित कंबल मैं लेकर क्या करूंगा, जाओ व्यापारी, मैं इस जनता का पैसा उपयोग नहीं कर सकता हूं। चला गया, समय बीता, वक्त बीता। एक चील एक लाल जूती, वो रत्न जड़ित कंबल की जूती मुख में दबाए आकाश से उड़ रही है। उड़ते उड़ते वह जूती छोड़ गई रानी के महल में। रानी ने देखा ये क्या है, ये रत्न जड़ित कंबल की जूतियां जिसे राजा नहीं खरीद सका। कौन है इस नगर में ऐसा जो रत्न जड़ित जूतियां खरीद बनाता है, इतनी कीमती जूतियां कौन पहनता है। राजा के पास जूतियां पहुंची, राजा ने कहा पता करो किसने खरीदी ये जूतियां, किसने। पता चला कि वो जूतियां किसी और ने नहीं, नगर सेठानी ने खरीदी। वो कंबल खरीदे और उस कंबल से, उस रत्न जड़ित कंबल से अपने पुत्र के लिए उसने जूतियों का निर्माण कर दिया, जिसे राजा खरीद ना सका उसे सेठानी ने अपने बच्चों को नाच से पाला, बड़े अरमानों से पाला। रत्न जड़ित कंबल की जूतियां बनाकर अपने बच्चे को पहना दे, ये पहना कर मेरे बच्चे। राजा ने कहा पता करो कौन है ऐसा जिसके घर में इतनी कीमती जूतियां मेरे नगर में है। पता चला कि वो एक नगर सेठानी है जिसके घर में इतनी कीमती। राजा ने कहा चलते हैं उसके घर। राजा पहुंचे, सेठानी को पता चला कि सम्राट आ रहे हैं, स्वागत करना चाहिए सम्राट का, पहली बार मेरे घर में आ रहे हैं। राजा अंदर पहुंचे, राजा का बड़ा स्वागत हुआ। राजा ने कहा ये जूतियां कहां से बनाई, खरीदी। बोले कुछ नहीं महाराज, मेरे पास इतना कहां, लेकिन पैसा था, कंबल बेचने वाला आया, मैंने खरीद कर इस बच्चे के लिए जूतियां बना दी। राजा ने कहा कंबल की जूतियां।
बड़े नाजों से मैंने बेटा पाला है महाराज, इकलौती संतान है, बड़ी मुश्किल से उसका जन्म हुआ है मेरे घर में। महाराज ने कहा, कौन सा बेटा जरा दिखाओ तो। अब सेठानी, बेटा कैसे दिखाए? राजा ने कहा, बेटा दिखाओ, कौन सा बेटा, ऐसा कैसा बेटा है जिसे तू रत्न जड़ित जूतियां पहनाती है, इतने महंगे महंगे सामान। राजा ने कहा, उस बेटे को दिखाओ मुझे, देखना किस्मत कहां ले जाती है। जैसे ही अब राजा को मना कैसे करे सेठानी, मना करे तो राजा मृत्यु दंड दे देगा, अपमान समझेगा। राजा ने कहा, दिखाओ बेटा कैसा है तुम्हारा। मना कर ना सकी, ले गई ऊपर महल में। महाराज, ये मेरा बेटा है। राजा ने देखा, आरती लेकर चल रही सेठानी आगे आगे, बच्चे की आंख से छल छल आंसू बह रहे हैं। सेठानी ने कहा, भोजन करो महाराज। बच्चे को बाजू में बिठाया, बच्चा बैठ ना सका, तकलीफ हो रही है बच्चे को। राजा ने कहा, बेटा तुम खाओ। उसने चावल मुंह में लिया और थूक दिया। राजा ने कहा कि सेठानी, इस बच्चे को कोई तकलीफ है? बोले, तकलीफ कुछ नहीं महाराज, ये बहुत नाजुक है। बोले, ऐसा क्या है इसमें? बोले, मैंने दिए से जो आपकी आरती उतारी, मेरा बच्चा दिया नहीं देखा उसने कभी, वो रत्नों के प्रकाश में पला है, लेकिन आपकी आरती उतारी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिए की ज्वलनशीलता उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा, इतना नाजुक बच्चा? बोले, नहीं महाराज, ककड़ी पर पैर रख दे तो सर्दी हो जाती है, इसको जुकाम हो जाता है, इतना नाजुक बच्चा, सेठानी बताओ ये सीधा क्यों नहीं बैठता है? बोले, मैंने आपके ऊपर जो सरसों फेंके हैं, वो राई, वो सरसों इसके आसन में है, इसे राई का दाना चुभता है महाराज, सरसों का दाना चुभता है, दीपक की ज्योत में आंख में आंसू आ जाते हैं, ये खाता क्यों नहीं है सेठानी? महाराज, ये ऐसा चावल नहीं खाता है, रात भर कमल में बंद रखती हूं चावल को, जब वह फूलता है गलता है सुबह उसे पकाती हूं, फिर अपने पुत्र को खिलाती हूं, ये अपने दांतों से कठोर चीज नहीं चबा सकता। जिन्हें कहा, ऐसा बच्चा तो देखा नहीं, पानी पीता है तो कंठ से दिखाई दिया करता है, छलक रहा है उसकी त्वचाओं से खून, गुलाबी रंग का बदन, ऐसा लगता कि ये बच्चा नहीं, किसी बगीचे से गुलाब का कोई फूल तोड़ के ले आया है।